दिस इज शिवम तिवारी एंड यू आर वॉचिंग टेक्टो ग्यानी। सो आज हम जैम सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं। जैम सर्वर बच्चों किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए लोकल होस्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे एक जैम सर्वर का यूज़ करेंगे एज अ लोकल सर्वर की तरह। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको गूगल पे नॉर्मली जैम सर्वर लिखना है एंड देन सबसे पहले जो लिंक आएगी जैम एग्जाम इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाचे फ्रेंड्स। सो नॉर्मली आपको इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करके नेक्स्ट विंडो ओपन कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं। देन इसके बाद करने के बाद आपका ये जैम सर्वर का जो वेबसाइट है वो शो होगा। यहाँ पे ये पूरी वेबसाइट आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डाउनलोड ऑप्शन पे जाकर के आपको क्लिक करना है। तो बच्चों यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जैम सर्वर होते हैं। आप कोई भी स्पेसिफिक चुन सकते हैं, मैं इसे प्रिफर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नॉर्मल डाउनलोड ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना है। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और आपको इस पूरे प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस तक वेट करना है। जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होगा आपके सिस्टम में कुछ इस तरह से शो होगा, आप इसमें चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं नॉर्मली आपको करके दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक किया मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और चाहे तो आप डबल क्लिक करके भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। आपको यस करना है, ये वियतनामी का प्रोडक्ट है जैसा कि आपको शो हो रहा है। ओके ऑप्शन पर चूज करना है या आप इंटर भी हिट कर सकते हैं कीबोर्ड से। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन चूज करना है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं जैम के साथ यूज होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसमें PHP है, MySQL है। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पार्ट सेट करना होता है। आप चाहे तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन में आपको शो करके दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इसे रीसेट कर सकते हैं, कोई इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप C drive रखें, बट मैं C drive को ही प्रेफर कर रहा हूँ। देन आपको इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन चूज करने के बाद आपको यहाँ पे फिर अगेन नेक्स्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ से आप पे पूछा जाएगा कि आपका डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, तो मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं उसे डिफॉल्ट ब्राउजर रखा हुआ हूँ। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन चूज करना है। इस तरह से इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड वन बाय वन सारे पैकेट आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है लगभग। एंड देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक फिनिश का ऑप्शन शो होगा। देखिए जैसे ही कंप्लीट होगा आपको फिनिश का ऑप्शन शो होगा यहाँ पर, थोड़ा सा समय। जी हाँ, तो ये बच्चों हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है एंड मैंने बाय डिफॉल्ट रन ऑप्शन को एक्टिवेट करके रखा है एंड देन फिनिश ऑप्शन को चूज करता हूँ। देन जैसे ही मैं फिनिश ऑप्शन को चूज करूंगा तो यहाँ पे मुझसे लैंग्वेज सेट करेगा, तो आपको लैंग्वेज सेट करना है। लैंग्वेज सेट करने के लिए आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करने के बाद इस तरह से हमारा विंडो होगा। इसे हम जैम कंट्रोल पैनल बोलते हैं। जैम कंट्रोल पैनल के हेल्प से हम यहाँ पे पूरा का पूरा लोकल होस्ट सर्विस को कंट्रोल करते हैं। तो ये था बच्चों, इस तरह से हम जैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिएगा। जय भारत एवरीवन।